So friends, namaste. In this class, we will study exercise 13.3, question number 8. One of the practical question. A bus stop is barricaded from remaining part of the road. अब एक रोड होती है, रोड के साइड में ही बस को खड़ा करना है, तो बाकी लोग पास कर जाएं और ये जो बस स्टैंड है तो उसको बीच बीच में वो कोन के थ्रू उसको बनाया गया है, कोन्स के थ्रू बैरिकेडिंग किया गया है कि इधर से बस भाई यहाँ स्टॉपेज होगी, बाकी इसको जाना है इधर चला जाए। वही क्वेश्चन है, बस स्टॉप इज़ बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाई यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। हॉलो कोन्स मतलब कि चूँकि साइड में हॉलो कोन्स मतलब हमको वॉल्यूम की बात नहीं करनी है अभी। देखें हॉलो कोन मतलब इजी रहेगा बनाना, हॉलो 50 टाइप से कोन्स हैं, एक लाइन से ऐसे रखे हैं, मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ठीक है। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, आउटर साइड का मतलब क्या, बेस को पेंट नहीं करना है, आउटर साइड मतलब केवल किनारे किनारे कर्व्ड सरफेस। आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, पाई की वैल्यू ऐसे यूज करो 3.14, और देखो अंडरवुड की वैल्यू भी एक गिवन है, अंडरवुड 1.04 की वैल्यू 1.02 लेना है। अब क्वेश्चन देखो ऐसा है, कोन जो है तो कोन आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर से ही बनता है, राइट सर्कुलर ट्रायंगल से बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल से, तो आपको ये जो इसका डायमीटर गिवन है वो डायमीटर कोन का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ कोन 20 सेंटीमीटर या 0.20 मीटर ऐसा। तो ये देखो हमने ऐसा फोटो बनाया है, ये कोन ऐसा बनता है ना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको ही अगर हम लोग इसे घुमाएंगे तो इसे कोन बन जाएगा। आपको अभी यहाँ पर जो गिवन है ये है 0.20 मीटर या 0.2 मीटर, और ये हाइट बता रहा है, ये हाइट है 1 मीटर, ये 1 मीटर है और ये है 0.20 मीटर। तो आपको L पता करनी है, L, ये L है, ये H है, ये R। तो फॉर्मूला पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला वो ये R है, ये H है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना L, ये L ही हमको पता करना है, तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू हो गई 0.2 या 0.20 का होल स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू हो गई 1 मीटर का स्क्वायर, ये सब कुछ आ रहा है मीटर के स्क्वायर में, ये है एल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप करेंगे 0.2, 0.4, तो ये 2 2 4 और इसमें आएगा 400, बिकॉज टू प्लेस पर है डेसिमल और स्क्वायर करना है, देखो एस 20.20, ये 0.20, 0.20, 2 2 4 ये 100, लेकिन ये दो प्लेस है, ये भी दो प्लेस है, स्क्वायर हम लोग को 4 प्लेस पर लगाना है, तो इसके आगे एक जीरो बढ़ाएंगे तब डेसिमल लगाएंगे, तो ये तो पॉइंट ये 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 और ये मीटर का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो 1.04 ऐसे आ जाएगा 1.04, और साथ में ये 0.0 भी है, ये है L का स्क्वायर, ये तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1.04 और ये 0.00 है, ये एक्चुअली इस जीरो का कोई मतलब नहीं, एक जीरो और आ जाएगा बस, ये जीरो को ये जो आपने कहा 0.20 ना, केवल 0.2 भी रख सकते हैं, ओके चलो, इसकी वैल्यू ही आपको अलग से दी हुई है 1.02, ये 2 जीरो है इसकी वजह से एक जीरो ऐसे आ सकता है और ये आ जाएगा मीटर,
एल की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आप देखो हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ पर ये हाइट है ना, ये हाइपोटेन्यूज इससे थोड़ी ज़्यादा है, 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 1 point, yes, ये 2 सेंटीमीटर। चलो तो कर्व्ड सरफेस एरिया एक का निकाल लेते हैं, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, उसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ द पेंट आ जाएगा। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज हमको कर्व में ही करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, आर हम लोग मीटर में ही रख रहे हैं, सब कुछ मीटर में, चूँकि रेट भी सब मीटर मीटर स्क्वायर में था, तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू कैसे है, 0.20 मीटर, और एल की वैल्यू आ गई 1.02। ये अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर पहले कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 4 0, और ये 2, ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर, इसमें 3 1 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो पहले 4 का मल्टीप्लाई, 4 4 जै 16, 2 जै 8 1, 3 का मल्टीप्लाई, 3 4 जै 12, 3 2 जै 6, फिर प्लीज डेसिमल काउंट कर लेंगे। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई किया था हमने 2 का, वो केवल यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया था, ये 0 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, और फिर ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये पूरी वैल्यू आ गई 6 4 0 5 6 0। डेसिमल कितने प्लस के कितने प्लेस को आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 6, तो ये 3 और ये 3 6 यहाँ पर आ गया, और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, 1 का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये अच्छा, अब इसके बाद बस कॉस्ट ऑफ द पेंट 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंट इज इक्वल टू 50 कोन्स इंटू ए सी एस ए ऑफ कोन्स, 50 इंटू सी एस ए ऑफ कोन इंटू रेट, ये हो जाएगा एरिया इंटू ये रेट, तो 50 इंटू ये है 0.64, है ना, इतना रख लेते हैं 0.64, जीरो के बस इतना ही आ जाएगा, ये हो गया, इंटू रेट है 12 रुपीज़ पर मीटर का स्क्वायर, वो मीटर स्क्वायर है ही हमारा, ये है रुपीज़ पर मीटर का स्क्वायर, ये है हमारा मीटर का स्क्वायर, तो बस ये 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60, तो 600, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 2 0 लगाने के बाद 6 2 0 लगा देते हैं पहले, 12 5 जा 60, 2 0 आ गया, फिर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ, 6 4 जा 24 2 38, 2 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा रुपीज आ गया अप्रॉक्सीमेट। ओके सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।